तो गाइस यदि आप भी चाहते हो बड़े आर्म्स बनाना तो आपको बाइसेप से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी ट्राइसेप मसल पर, क्योंकि गाइस आपकी बाइसेप मसल आपकी आर्म्स में सिर्फ 30% का हिस्सा है, बचा 70% आपकी ट्राइसेप होती है। तो गाइस यदि आप भी कर रहे हो अभी तक ये गलती कि आप एक छोटी सी मसल यानी कि बाइसेप को ज़्यादा ट्रीट कर रहे हो तो गाइस स्टॉप इट नाउ एंड आपको अब फोकस करना है अपनी ट्राइसेप मसल्स पर। तो गाइस आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी ट्राइसेप मसल को ट्रीट कर सकते हो, वो भी घर पर बिना जिम के। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप पुश अप। गाइस इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है एक चेयर, या फिर आप इस एक्सरसाइज को एक सोफे पर भी कर सकते हो। तो गाइस आपको इस एक्सरसाइज को ऐसे करना है जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। गाइस आपको इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करना है जिससे आपकी ट्राइसेप मसल पर लोड पड़े, और जितना धीमे आप करोगे गाइस तो आपकी मसल्स उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। दूसरी एक्सरसाइज जो है उसको भी हम ट्राइसेप पुशअप बोलते हैं। गाइस इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है किसी ऊंचे स्थान पर जिस पे आपके दोनों हाथ टिक जाएं, और आपको ये एक्सरसाइज जैसे करनी है जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखाया गया है। यदि गाइस आप इस एक्सरसाइज को ऐसे नहीं कर सकते हैं तो इसका करने का एक तरीका और है जिसके लिए आप दो सरफेस ले सकते हो और उन दो सरफेस के बीच में अपने हाथों के फंसा कर इस तरह से इस एक्सरसाइज को कर सकते हो जिस तरीके से आपको इस वीडियो में दिखाया गया है। तो गाइस आपको ये भी एक्सरसाइज बहुत ही धीमे धीमे करनी है जिससे आपकी ट्राइसेप मसल पर लोड पड़े, और इस एक्सरसाइज को करते करते आपको ये फील करना है कि आपकी ट्राइसेप मसल पर लोड पड़ रहा है और उसमें से गर्मी निकल रही है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं लास्ट एंड थर्ड ट्राइसेप एक्सरसाइज की, जिसे बोलते हैं डायमंड पुश अप। गाइस आपको इस एक्सरसाइज को जैसे परफॉर्म करना है जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखाया गया है। गाइस यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो आपको नॉर्मली ऊपर जाना है, लेकिन जब आप गाइस नीचे आते हो तो आपको जब मिडिल में आपकी बॉडी आ जाती है तो आपको थोड़ा सा रुकना है, उसके बाद गाइस आपको नीचे जाना है। तो गाइस जितना आराम से आप इस एक्सरसाइज को करते हो उतना ही लोड आपकी ट्राइसेप मसल पर पड़ता है, उसी के साथ साथ इसके साथ ट्राइसेप के साथ आपकी चेस्ट पर भी थोड़ा बहुत लोड पड़ता है। गाइस आपको इन एक्सरसाइज को करते वक्त कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है जो कि कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, आप इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको 1 मिनट से ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है। गाइस यदि आप 1 मिनट से ज़्यादा रेस्ट करते हो तो आपकी मसल्स को रेस्ट ज़्यादा मिलेगा जिससे उन पर पंप नहीं आएगा, और पंप ना आने के साथ साथ वो ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं होगी जिससे वो ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगी। नंबर 2, आपको इन एक्सरसाइज को रेगुलरली नहीं करना है। यदि आप इस एक्सरसाइज को आज करते हो तो आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए 2 दिन का गैप देना है, उसी के बाद अपने ट्राइसेप को अगेन ट्रीट कर सकते हो। तो गाइस आई होप हमने आपको 3 एक्सरसाइज बता दी हैं। यदि फिर भी आपका कोई था है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइस यदि आप